हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक हियर टू माय सोशल स्टडी क्लास 8th. फ्रेंड्स, मायसेल्फ भगवती फ्रॉम पीएस एकेडमी सेमरा एंड हियर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड देयर डेवलपमेंट इन ज्योग्राफी. बच्चों, एंड दिस इज़ द वीडियो नंबर 2nd ऑफ दिस चैप्टर. बिफोर दिस पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट रिसोर्स. हमने इससे पहले बच्चों रिसोर्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को फुलफ़िल करे वो आपकी रिसोर्स कहलाती है. और किसी भी थिंग्स को, किसी भी मटेरियल्स को हम एक रिसोर्स का दर्जा तभी दे सकते हैं जब उसमें कुछ यूटिलिटी हो, उपयोगिता हो, या उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ क्वालिटीज़ मौजूद हो, तभी हम उसको रिसोर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हियर टाइप्स ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के प्रकार. बच्चों, जो रिसोर्स हैं उनको कई तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, उनको बांटा गया है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्स. बच्चों, मटेरियल और नॉन मटेरियल कैटेगरी के अनुसार भी इनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. रिसोर्स लाइक मिनरल्स, वुड, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा विच कैन बी सीन और टच्ड आर कॉल्ड मटेरियल रिसोर्स. बच्चों, मटेरियल मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़, जैसे कि वो रिसोर्स जैसे मिनरल्स आपके होते हैं, लकड़ी और मिट्टी, वाटर जो है, जिनको हम बच्चों देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, वो आपके मटेरियल रिसोर्स कहलाते हैं. दीज रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू. बच्चों, इन रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आर्थिक महत्व या मूल्य होता है, जिन मतलब मनी के थ्रू हम इन्हें सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं. थिंग्स लाइक नॉलेज, हेल्थ, स्किल एंड अदर क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड आर कॉल्ड नॉन मटेरियल रिसोर्स. बच्चों, कुछ चीज़ें जैसे कि आपकी नॉलेज, ज्ञान है, स्किल, कुशलताएं और हेल्थ आपकी, और एक व्यक्ति में मौजूद गुण जिनको हम देख नहीं सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, उन्हें हम नॉन मटेरियल रिसोर्स की कैटेगरी में रखते हैं. इन फैक्ट द नॉन मटेरियल रिसोर्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल रिसोर्स. और वास्तव में बच्चों, जो आपके नॉन मटेरियल रिसोर्स होते हैं वो आपके मटेरियल रिसोर्स को डेवलप करने में सहायता करते हैं. कैसे करते हैं बच्चों? जैसे कि सपोज़ कि कोई ह्यूमन बींग्स है, कोई इंसान है और उसकी हेल्थ अच्छी है, उसमें नॉलेज है, ज्ञान है, कुछ योग्यताएं हैं, स्किल हैं, तो बच्चों वो अपनी उस योग्यता को, उस स्किल को यूज़ करता है और तब कोई नेचुरल चीज़ को नई चीज़ में कन्वर्ट करता है. जैसे कि सपोज़ मान लो कि है ना, वो आपकी वुड है, लकड़ी है, जो कि नेचुरली हमें मिलती है, और फिर वो अपनी नॉलेज का यूज़ करके, अपनी कुशलता का यूज़ करके और मौजूद टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस लकड़ी को किसी अच्छे, या जैसे कि कहें बेड बनाता है उनसे, ऑफ आपकी टेबल बनाता है और काफ़ी डेकोरेशन वाला फर्नीचर बनाता है. तो इस तरह से वो यूज़ करता है अपने ज्ञान को किसमें, मटेरियल रिसोर्स बनाने में. नेक्स्ट बच्चों, नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्स, प्राकृतिक और इंसान द्वारा बनाए गए रिसोर्स. कुछ रिसोर्स बच्चों ऐसे होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं और कुछ इंसान के नॉलेज और ज्ञान के द्वारा उनको रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. रिसोर्स लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. बच्चों, आपको पता है कि वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट और जो जंगली जानवर हैं वो हमें नेचर द्वारा प्रदान किए गए हैं या दिए जाते हैं, प्रकृति इन्हें हमें देती है, इसलिए ये नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं. द रिसोर्स क्रिएटेड बाय द स्किल एंड लेबर ऑफ ह्यूमन बींग सच एज कैनल्स, रोड, रेलवे लाइंस
एंड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्स। और बच्चों, वो रिसोर्स जिन्हें इंसान के स्किल द्वारा, कुशलता द्वारा और इंसान के परिश्रम द्वारा क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, जैसे कि आपके कैनल्स होती हैं वो भी इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं, रोड भी और रेलवे लाइन भी और बिल्डिंग्स भी, तो ये सारी ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती हैं बच्चों, इसलिए हम इन्हें मैनमेड रिसोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाई जाती हैं उनके ज्ञान और स्किल का यूज़ करके। ह्यूमन स्किल एंड लेबर मेड आर नेचुरल रिसोर्स मोर यूजफुल। और बच्चों, आपका जो इंसान की जो कुशलताएं हैं और उसकी जो एबिलिटी है और उसका जो कठिन परिश्रम है, उसके द्वारा ही कोई नेचुरल रिसोर्स जो है वो ज़्यादा यूजफुल बनता है या इस्तेमाल के योग्य बनता है। फॉर एग्जाम्पल्स, द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टीम इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। बच्चों, एक जो स्टीम है, झरना है, उससे जो आपका नेचुरल पानी निकल रहा है, पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा। वाइल डिगिंग कैनल एंड टेकिंग दी रिवर वाटर टू फील्ड थ्रू दिस कैनल इज़ अ मैन मेड रिसोर्स। लेकिन बच्चों, आपका उसी पानी को हम रिवर के थ्रू, मतलब रिवर के पानी को या वो पानी जो कि आपका एक स्टीम में है वहाँ से निकल रहा है, कैनल बनाकर उसे हम कैनल के थ्रू फील्ड में ले जाते हैं, तो ये आपका मैन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। मतलब कहने का बच्चों ये है कि जो कैनल्स हैं वो इंसानों द्वारा तैयार की जाती हैं, और जो वाटर जो कि आपका रिवर्स में होता है, उस वाटर को इन्हीं कैनल्स के थ्रू हम फील्ड तक ले जाते हैं, और ये जो है वो आपका पूरी प्रोसेस जो है वो मैनमेड रिसोर्स में काउंट की जाती है। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर कॉल्ड रिसोर्स। बच्चों, इंसान भी जो है वो खुद एक रिसोर्स है, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर रिसोर्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्यों? क्योंकि बच्चों, दूसरे जितने भी रिसोर्स हैं उनका जो विकास है वो आपके इंसान की योग्यता और गुणों पर निर्भर करता है। इफ़ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ एजुकेटेड एंड हेल्दी, द कंट्री इज सेट टू बी रिच इन ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज द एजुकेटेड एंड हेल्दी पर्सन कैन मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अगर बच्चों बात करें किसी देश की, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करने वाली जो जनसंख्या है टोटल, वो आपकी एजुकेटेड है और हेल्दी है काम करने वाली जनसंख्या, तो एक कंट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कंट्री जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में रिच है। क्यों? क्योंकि बच्चों, एक एजुकेटेड और एक हेल्दी जो पर्सन है वो आपके नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ कर सकता है, या उनसे कोई नई जो चीज़ है वो बना सकता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ द की फैक्टर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। और बच्चों, इसीलिए जो आपका मानवीय रिसोर्स का जो विकास है वो आपके एक राष्ट्र के इकोनॉमिक विकास में सहायक होता है या उसका मुख्य फैक्टर्स है। जैसे कि अगर बच्चों बात करें तो मान लीजिए कि आपके जो ह्यूमन बींग्स हैं किसी भी कंट्री के, वो उनका जो विकास है बच्चों वो सही से हो रहा है, तो हो सकता है कि एक राष्ट्र का आर्थिक विकास भी सही से हो। जैसे कि अगर बात करें बच्चों, तो किसी कंट्री के जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, तो वो जो इनकम है वो अर्न करेंगे, और जो इनकम वो अर्न करेंगे तो उससे देश की जो आपकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो डेवलप होगी, और इस तरह से देश का विकास होगा। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो बच्चों वो एक राष्ट्र के आर्थिक विकास का मुख्य कारण होते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स,
रीन्यूएबल रिसोर्स बच्चों, जिनको मतलब दोबारा से प्रोड्यूस किया जाए, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स जिनको दोबारा से प्रोड्यूस ना किया जाए। नेचुरल रिसोर्स में भी रीन्यूएबल इनएग्जिटेबल, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं बच्चों वो आपके रीन्यूएबल होते हैं, उनको दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है और ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बच्चों वो होते हैं जो कि आप जिनका हम दोबारा से प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं और वो कुछ समय बाद ख़त्म भी हो सकते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच आर कंस्टेंटली बींग जनरेट बाय नेचुरल प्रोसेस और कैन बी जनरेट बाय अस। रीन्यूएबल रिसोर्स बच्चों वो होते हैं जो कि आपके नेचर की प्रोसेसिंग द्वारा मतलब खुद ही जनरेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, या इंसान की प्रोसेस द्वारा भी उनको उगाया जाता है या जनरेट किया जाता है, वो आपके रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। कुछ रिसोर्स जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो हैं बच्चों वो आपके रीन्यूएबल रिसोर्स के उदाहरण हैं, और बच्चों ये कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्स होते हैं। बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन रिच वास्ट अमाउंट, क्यों? क्योंकि बच्चों ये आपके धरती पर काफ़ी बड़ी मात्रा में उपस्थित हैं। डेट ह्यूमन कंजप्शन फॉर वेरियस पर्पज डज नॉट अफेक्ट देयर टोटल क्वांटिटी मच, और दे कैन बी रीजेनरेट इन आवर लाइफ टाइम। और इंसान बच्चों इन रिसोर्स का यूज़ करता है तो इनसे इनकी क्वांटिटी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, किनकी? रीन्यूएबल रिसोर्स की। और ये जो है बच्चों वो हमारे जीवन में कभी भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों ये टाइम के अकॉर्डिंग बनते रहते हैं, तो इनका हम और उपभोग है वो भी करते हैं, लेकिन जब ये प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनके ख़त्म होने पर इतनी ज़्यादा मतलब संशय पैदा नहीं होगा। आवर एक्टिविटी कैन हाउएवर मेक सम ऑफ दिस रिसोर्स अनयूजेबल, और लेकिन हमारी खुद की जो एक्टिविटी है वो कभी कभार इन रिसोर्स को बच्चों अनयूजेबल बना देती है, मतलब ह्यूमन किसी ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो एनवायरनमेंट है उसमें इंटरफेयर किया जाता है, तो ये जो रिसोर्स हैं वो जल्दी एक्जोटेबल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स, इफ़ द एयर एंड वाटर बिकम पॉल्यूटेड देयर यूज बिकम हार्मफुल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो एयर वाटर को बच्चों जब पॉल्यूट हो जाते हैं तो उनका जो यूज़ है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। नेक्स्ट, मैनी नेचुरल रिसोर्स आर साइकल्ड विद इन दी एनवायर वॉय नेचुरल प्रोसेस। बच्चों आपका साइकल्ड क्या है कि मतलब रिसाइकल, कि जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उनका यूज़ करके कुछ नई चीज़ को प्रोड्यूस करना, या ये कहें कि जो चीज़ हमने यूज़ करके फेंक दी है फिर उसको ही दूसरे रूप में कन्वर्ट करके यूज़ में लाना। तो बच्चों बहुत सारे जो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं उनको साइकल्ड किया जा सकता है, उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है एनवायरनमेंट में नेचुरल प्रोसेस द्वारा, और दिस कीप्स देयर क्वांटिटी मोर और लेस कंस्टेंट। और इस तरह से बच्चों ये जो प्रोसेस है आपकी, ये बच्चों किसी रिसोर्स की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट में रखते हैं, मतलब यानी कि अगर हम किसी चीज़ का रिसाइकल्ड करें बच्चों तो हो सकता है कि वो चीज़ जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में कम या अधिक मात्रा में लगातार उपलब्ध हो लेकिन ख़त्म ना हो, उसकी कमी हो जाए या कभी वो ज़्यादा हो जाए ये हो सकता है लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी। किस प्रोसेस के थ्रू? रिसाइकल्ड के थ्रू। सच रिसोर्स व्हेन कंज्यूम्ड आर डिस्प्लेंडेड ओवर टाइम। और बच्चों ये रिसोर्स जब इनका उपयोग हम कर लेते हैं तो इनकी प्रतिपूर्ति में आपूर्ति में काफ़ी टाइम लगता है। सच एज द वाटर साइकिल एंड द ऑक्सीजन साइकिल, जैसे कि आपका जो वाटर है उसका पुनर्चक्रण करना और जो ऑक्सीजन है उसका पुनर्चक्रण करना। हालांकि इनको इनकी आपूर्ति होने में काफ़ी टाइम लगता है लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि ये पूरी तरह से फिनिश हो जाए। तो ये सारे आपके
मतलब रिसाइकल की प्रोसेस द्वारा इनका जो फॉर्म है वो दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है या इनको यूजेबल बनाया जा सकता है। सम नेचुरल रिसोर्स कैन ऑल्सो बी जनरेट बाय अस, कुछ जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो हमारे द्वारा भी जनरेट किए जाते हैं, मतलब बच्चों बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स वी कैन प्रोड्यूस फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ट्री, बट इवन सच रिसोर्स विल अल्टीमेटली बी एग्जॉटेड इफ दे आर कंज्यूम्ड फास्टर देन दे कैन बी जनरेटेड। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों अगर बात करें तो आपके फॉरेस्ट वगैरह हैं वो बच्चों हमारे द्वारा ग्रो किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो रिसोर्स हैं बच्चों अंत में ये ख़त्म हो जाएंगे यदि हम इनका लगातार जो है उपयोग करते रहें और इनके जो ग्रो होने की प्रक्रिया है बच्चों वो कम हो और उनके कंजप्शन की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो, मतलब इनका उपयोग ज़्यादा किया जाए उनके ग्रो होने की मतलब तुलना में। मतलब पैदा तो वो कम हो रहे हैं, ग्रो तो कम हो रहे हैं, लेकिन उपभोग ज़्यादा हो रहा है तो इससे डिसबैलेंस हो सकता है इन रिसोर्स का। नॉन रिन्यूएबल और एग्जिटेबल रिसोर्स आर दोज डेट वर प्रोड्यूस इन द पास्ट बाय नेचुरल रिसोर्स डेट अकर्ड बाय चांस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बच्चों जो कि आपके फ्यूचर में कभी भी ख़त्म हो जाएंगे और उनका दोबारा से पुनर्चक्रण नहीं हो सकता है, वो दोबारा से मतलब आपके रीजेनरेट नहीं हो सकते हैं, ये वो रिसोर्स होते हैं जो कि बच्चों आपके पास्ट में प्रोड्यूस हुए हैं या पास्ट में इनका प्रोडक्शन किया गया है नेचुरल प्रोसेस द्वारा, ये अपने आप ही ग्रो हो गए हैं और अकड़ बाय चांस अचानक ही घटित हो गए हैं, एनवायरनमेंट में उपलब्ध हो गए हैं और मे नॉट अकर अगेन, और हो सकता है कि जब इनका पूरी तरह से यूज़ कर लिया जाए तो ये दोबारा से ग्रो ना हो। तो ये आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं बच्चों। दीज रिसोर्स आर लिमिटेड इन सप्लाई, और बच्चों इनकी मात्रा कम है जिससे इनकी हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब दूसरी जगह इनको यूज़ करने के लिए नहीं भेज सकते हैं या लोगों की ज़रूरत इनसे पूरी नहीं हो सकती है। एंड कैन नॉट बी रीजेनरेट बाय अस, और इनका जो प्रोडक्शन है वो फिर दोबारा से हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता है। वंस दे हैव बीन कंज्यूम्ड, एक बार जब इनको पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाए तब। मेटल्स और एंड फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बच्चों जो आपके मेटल्स होते हैं यानी कि आपकी धातुएं और जो खनिज होते हैं और जो फॉसिल फ्यूल आपके जैसे आपके पेट्रोल और आपका कोयला है, ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, मतलब कि इनका दोबारा से प्रोडक्शन नहीं हो सकता है और इनका जो पहले का भी प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन हुआ है तो वो नेचुरली हुआ है, अपने आप हुआ है और जब धरती वगैरह में मूवमेंट हुई, हलचल हुई तब। हाउएवर मेटेलिक मिनरल्स सच एस गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकल फ्रॉम डिस्कार्डेड थिंग्स एंड यूज अगेन सच एंड अगेन। यद्यपि बच्चों जो आपके मेटेलिक जो धातु है मिनरल्स होते हैं, धातु वाले जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इनका बच्चों हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब जो बेकार हो गई हैं जो चीज़ें उनसे मतलब हम दोबारा से नई चीज़ बना सकते हैं और फिर से हम उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड है आपकी और जब वो ख़राब हो जाती है तो दोबारा से उसी गोल्ड को लेकर अगर हम जाएं गोल्ड स्मिथ के पास तो वो फिर दूसरी ही आपकी गोल्ड की उसी से कोई नई चीज़ बनाकर दे देता है। पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल बच्चों जहाँ पर संभावना मतलब वो रिसोर्स लगे कि हाँ इस एरिया में ये रिसोर्स है, तो संभावी रिसोर्स और वास्तविक रिसोर्स। द रिसोर्स विच एग्जिट इन अ रीजन बट नॉट हैव नॉट बीन प्रॉपरली यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। बच्चों अगर हम बात करें तो वो रिसोर्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में स्थित हैं लेकिन
उनका पूरी तरह से यूज़ नहीं किया गया है, वो बच्चों आपके पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं। बट द रिसोर्स विच हैव बीन सर्वेड एंड हुज क्वांटिटी आर डिटरमाइंड फॉर एक्चुअल यूज़ आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। और वो रिसोर्स बच्चों जिनका सर्वे किया जा सकता है और जिनकी मात्रा सुनिश्चित कर ली गई है कि किस एरिया में कितना मटेरियल्स जो मिनरल्स है वो मौजूद है और उनको हम कितना यूज़ के लिए वो हमारे काम में आ सकता है, वो आपके एक्चुअल रिसोर्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर बच्चों जो अफ्रीका है वो वाटर रिसोर्स का मतलब एक वास्ट संभावना है। अफ्रीका में वाटर रिसोर्स की एक बड़ी संभावना है। बट ऑल हैव नॉट येट बीन डिटरमाइंड फुली। लेकिन बच्चों अभी तक इनके यूज़ की कोई संभावना नहीं बन पाई है। वहाँ पर वाटर रिसोर्स की तो संभावना है लेकिन वो कितनी मात्रा में और क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल। वास्तविक रिसोर्स का विकास बच्चों आपकी जो टेक्नोलॉजी है और उस पर निर्भर करता है कि टेक्नोलॉजी होगी तभी हम एक्चुअल रिसोर्स का विकास कर सकते हैं या उनको यूज़ में ला सकते हैं। एंड दी कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट्स डेवलपमेंट। दी पोर्शन ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स विच कैन बी डेवलप प्रॉफिटेबली विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज टर्म्ड एज रिजर्व। और बच्चों एक्चुअल रिसोर्स का वो हिस्सा जिसे बच्चों हम मौजूद टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप कर सकते हैं और अपने उपयोग या लाभ के लिए लाभ में ला सकते हैं वो आपका रिज़र्व रिसोर्स कहलाते हैं। मतलब बच्चों वो रिसोर्स जिन्हें हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो आपके रिज़र्व रिसोर्स कहे जाते हैं। और जिनके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड है और उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उन्हें निकाल सकते हैं और जो हमारी फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उसके उपयोग के लिए रख सकते हैं, तो वो ही आपके रिज़र्व रिसोर्स कहलाते हैं। बच्चों दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यू टुमारो। सो थैंक यू।